हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ निहाल और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है ताजमहल पर, और आज मैं आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगे ताजमहल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात है कि पहला फैक्ट है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है या झूठ ये पक्का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसे कुछ लोग सच मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। अगर हम इस पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। कहा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर रिसर्च किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये शाहजहां और मुमताज़ की ये जो कहानी है ये सब झूठ है। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें क्या पता लगा, आप जान के हैरान हो जाओगे। उन्हें पता लगा कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया, ताजमहल को शाहजहां ने जीता था, राजपूतों ने ताजमहल को बनाया है। और ताजमहल जब राजपूतों ने उसे बनाया तब तो वह एक शिव का मंदिर था, लेकिन राजपूतों को हराकर शाहजहां ने ताजमहल को हड़प लिया, अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ पर अपनी वाइफ मुमताज की कब्र रखी है और अपनी भी। तो अगर हमारी गवर्नमेंट को ये सच पता होता तो वो ज़रूर ये रिसर्च को आगे बढ़ाती, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस रिसर्च पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया है, रोक लगा दी इस रिसर्च पर। और हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ताजमहल में कुछ ऐसे रहस्यमय कमरे हैं जिसमें कुछ छुपा हुआ है। बहुत लोगों का मानना ये है कि उसमें शिव कुछ सबूत है जो ये सिद्ध करते हैं कि ताजमहल पहले राजपूतों ने बनाया था और शाहजहां ने बाद में अपना नाम दे दिया। कहा जाता है कि उसमें शायद से शिव के कुछ बैल्स हैं, स्टैचू है शिव का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, इसलिए हमें ये सच तो अभी पता नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ऑन कर दीजिए। इससे आपको मेरे जो सबसे पहले मैं वीडियो रखूँगा ना, अपलोड करूँगा ना, वो सबसे पहले आप देख पाओगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद भी नहीं आता है तो फिर भी यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्या, क्योंकि मैंने अपना चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे ऐसे मैं आशा करता हूँ।